हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि जब मैंने रिसेंटली न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो मुझे एसेसरीज में क्या क्या मिला जिससे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वर्क फ्रॉम होम से या किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैपटॉप। तो लैपटॉप जो होता है वो मुझे ऑप्शन दिया गया, चाहूँ तो मैं एक विंडोज़ लैपटॉप ले सकता हूँ और या चाहूँ तो एक मैकबुक ले सकता हूँ। हालांकि मैं पिछले 5-6 साल से मैकबुक पे काम कर रहा हूँ तो मैं मैकबुक पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने मैकबुक सेलेक्ट किया, इसलिए मुझे एक मैकबुक मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन मुझे एक माउस भी मिला, ये ब्लूटूथ माउस है। मुझे एक कीबोर्ड मिला, वो भी ब्लूटूथ कीबोर्ड है, और एक कनेक्टर मिला। जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे स्क्रीन पे काम करते रहते हैं और हमें बहुत सारा काम एक साथ करना रहता है, मतलब बहुत सारे विंडोज़ रहते हैं या समझ लो आप टूल रहता है या समझ लो डेवलपमेंट चीज़ रहता है जिस पे आप काम करते रहते हो या मैसेंजर होता है, तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर भी लगता है। तो एक्सटर्नल मॉनिटर इस समय नहीं मिला है लेकिन उसको आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो, जो कि मैंने कर दिया है, जो कि 1-2 दिन में डिलीवर भी हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मॉनिटर को जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहें तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये लगता है, तो मुझे ये भी एक्स्ट्रा मिला। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये जो मैकबुक है ये 13 इंच टच बार लेटेस्ट मैकबुक प्रो है। तो मेरे पास लास्ट कंपनी में 16 इंच का था, ये 13 इंच है, छोटा है, बेहतर है क्योंकि कैरी करना बहुत आसान रहेगा। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग, ये पूरा कम्प्लीटली सील्ड मैकबुक प्रो है, एकदम कम्प्लीटली ब्रांड न्यू उठाकर मुझे दे दिया है। तो इसको खोलते हैं। मैं आज खोलने के लिए तो बहुत आसान है, ये आराम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये निकालने के लिए इसका कवर हटा देते हैं। मैंने इसका रैपर हटा लिया। मुझे ब्रांड न्यू मैकबुक प्रो मिला है, तो आइए इसका बॉक्स खोलते हैं। ये अगर इसको निकालना चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये पन्नी दिया हुआ है, ऐसे खींचना है ये निकल जाएगा जैसा कि देख सकते हैं। तो फिर अगर आप देखेंगे तो मैकबुक में एक मिलता है चार्जर, ये सी टाइप चार्जर है, ये सी टाइप चार्जर मिलता है, और ये एप्पल एप्पल के स्टिकर्स, ये रहा चार्जर छोटू सा, सही है अच्छा, इसमें कुछ है नहीं। तो ये चार्जर निकाल लेता हूँ और ये मेरा सी टाइप चार्जर हो गया, लैपटॉप लगा कर चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो गया लैपटॉप का। ये लैपटॉप का अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो गया। तो ये चार्जर जो है इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये चार्ज करने के काम तो आने ही वाला है, लैपटॉप चार्ज तो करना ही पड़ेगा। ये निकाल के रख देंगे, इसमें ये जो केबल है ये ऑलमोस्ट 2 मीटर का होगा। ये केबल जो है इसको कनेक्ट करना है, देन फिर आप इसको लैपटॉप को चार्ज में लगा सकते हो। चार्जिंग पोर्ट इधर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके तरह रखते हैं। तो अगर हम देखोगे
गई है, तो इसके ऊपर भी ये रैपर लगा हुआ है। इसको बॉक्स में रख देते हैं स्टिकर, और आप देखोगे तो ये लैपटॉप पूरा सील्ड है। तो इसको खोल लेते हैं। ये कंप्लीटली ब्रांड न्यू सील पैक लैपटॉप है, तो इसे मुझे पहले सबसे पहले सेटअप करना होगा यूज़ करने से पहले। वाह, इट्स लुक ऑसम। हिंदी को प्राथमिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रिटर्न की दबाएं। टू यूज इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज, press the return key. तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपके सामने न्यू ब्रांड न्यू सील पैक लैपटॉप को अनबॉक्स किया, और अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू माय ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर लूँगा और इसको स्टार्ट कर यूज़ करने स्टार्ट कर दूँगा। तो मुझसे macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press the command key while you press Touch ID 3 times at the right end of the touch bar. Mac. ओके, तो मुझे ये ब्लूटूथ माउस का यूज़ मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, और ये कनेक्टर का यूज़ भी जब मॉनिटर आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा, और वो जो कीबोर्ड है उसका यूज़ भी मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस लैपटॉप को सेटअप कर लेता हूँ जिससे मैं अपनी कंपनी का काम करना स्टार्ट कर दूँ जल्दी से जल्दी। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझसे और मेरी जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।